और हमारी गृहिणी जो काम करती है, तो किचन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो किचन में हम अगर देखेंगे तो जो चीजें हमको कंटिन्यूअसली लगने वाली है, जो चीजें हमको कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद लगने वाली है, जो चीजें डेली लगने वाली है, तो उस चीजों को बहुत पास में रखा जाता है। जैसे मैं अगर चाय बनाने जा रहा हूँ तो चाय बनाने के जो सामग्री है वो हमको बहुत पास में मिलती है, यानी विद इन रीच हमको मिलती है, तो हमारा टाइम बचता है। और कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हमको कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद लगने वाली होती है, तो हम उसको कुछ डिस्टेंस पर रखते हैं। तो उसी तरह से हम हमारा मटेरियल का मैनेजमेंट करते हैं। उसके अलावा कुछ आइडेंटिफिकेशन रहता है, जैसे डब्बों का कलर कोडिंग है, कुछ बॉक्सेस का साइज है, डब्बों का साइज है, अलग अलग साइज में है, तो हमको इजीली समझ में आता है कि कौन से चीज यहाँ इसमें क्या रखा है। तो ये विजुअल मैनेजमेंट हम उतना डेवलप करते हैं हमारे किचन में। इसके अलावा एक और है कि जो कुछ शॉर्टेज हो रहा है या कुछ खत्म होने वाला है, तो इसका इजीली ट्रिगर आता है, तो वो एक सिस्टम बना हुआ है जो ट्रिगर आता है। इवन वो ट्रिगर हमको भी मिलता है कि शाम को आते वक्त ये चीज लेके आना। तो इतना एक एक स्मूथ फ्लो हमारा किचन में चलता है। तो वही सिस्टम जो है, वही सिस्टम है, उसी को हम बोलते हैं 5S। तो यही 5S को हमारे इंडस्ट्रियल लाइफ में, हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे ऑफिसेस में हमको इम्प्लीमेंट करना है। ये कहीं पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। यानी अगर हम बोलेंगे कि हमारा जो वार्डरोब है, वार्डरोब पे हम कपड़े रखते हैं, तो वहां पे कैसे किस तरीके से कपड़े रखना चाहिए, उसके बाद में जहाँ पे डेस्क पे हम बैठे हैं तो उस डेस्क पे सामान किस तरीके से हमको रखना चाहिए, कैसे हमारा टाइम बचेगा। तो इसी उद्देश्य से ये 5S का इम्प्लीमेंटेशन हमको हमारे इंडस्ट्रियल लाइफ में हमको करना है। तो ये बेसिकली 5S क्या है? तो ये 5S जो है एक टॉप लीन लीन मैनेजमेंट टूल है, जिसमें जिसमें हमको एक टॉप लीन मैनेजमेंट टूल है, जिसमें एक 5S जो है वन ऑफ टूल है। तो अगर हम देखेंगे तो 5S जो है सबसे पहला टूल आता है टॉप टॉप लीन मैनेजमेंट टूल में। इसको हम तो पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। दूसरा आता है काइजन। काइजन मीन्स चेंज फॉर बेटर। काई मीन्स चेंज एंड जेन मीन्स बेटर। तो चेंज फॉर बेटर, निरंतर सुधार, इसका मीनिंग है। तो ये जैसे सृष्टि में अगर देखेंगे तो निरंतर सुधार ये एक सृष्टि का नियम है। कोई भी चीज को हमको बेस्ट से बेटर अगर करना है तो हमको उसको चेंजेस करना पड़ता है। जैसे प्रोडक्ट में हम कुछ चेंजेस करते हैं, उसको कस्टमर डिमांड के हिसाब से हम उसको डिजाइन करते हैं, उसके बाद में प्रोसेस को हम उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो उसी को स्मॉल स्मॉल चेंजेस, कुछ बड़े चेंजेस जो कॉस्ट के लिए हम करते हैं, कुछ टाइम कम करने के लिए करते हैं, इसी को हम बोलते हैं काइजन। इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं काइजन। उसके बाद में आता है टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट। टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट जो है एक मेंटेनेंस टूल है, जहाँ पे मेंटेनेंस एक्टिविटी और मेंटेनेंस टाइम कम करने के लिए हम काम करते हैं। उसके बाद आता है चलो पोका योके। पोका योके जो है, पोका मीन्स मिस्टेक और योके मीन्स टू अवॉइड, यानी मिस्टेक प्रूफिंग। यानी अगर हम इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो गलती से भी गलती ना हो। तो इस तरीके से सिस्टम हमको इम्प्लीमेंट करना है, इसी को हम बोलते हैं पोका योके। तो ये पोका योके का अगर बेस्ट एग्जांपल अगर देखेंगे हम, तो जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सॉकेट्स हम यूज करते हैं, यूएसबी पोर्ट्स यूज करते हैं, चार्जिंग केबल यूज करते हैं, एचएमआई केबल यूज करते हैं, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है पोका योके का। हम अगर चाह के भी उसको अगर उल्टा लगाने की कोशिश करेंगे, यूएसबी पोर्ट हम उल्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं लगेगा। तो ये मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए ये प्रोडक्ट को उस तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो उसी तरीके से हमको हमारे प्रोसेस को उस तरीके से डिजाइन करना है ताकि गलती से भी मिस्टेक ना हो। ऑपरेटर जो काम करता है उसके हाथ से कोई मिस्टेक हो सकती है, तो हमको अवॉइड करना है कि ऑपरेटर से कोई मिस्टेक हो। तो इससे हम क्या 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 एडवांटेज होगा? तो हमारा कॉस्ट जो है, यानी रिजेक्शन हमारा कम हो सकता है, रिजेक्शन रिजेक्शन हमको अवॉइड कर सकते हैं, उसके बाद में कॉस्ट कम हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैनेजमेंट टूल पोका योके टूल काम करता है। उसके बाद में आता है वाइवा एनालिसिस। वाइवा एनालिसिस ये टूल जो है, 5Y एनालिसिस हम उसको बोलते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। तो कोई भी एक प्रॉब्लम अगर आता है, उसको हम अगर 5 बार वाई क्वेश्चन अगर पूछते, तो हमको तीसरे या चौथे वाई में उसका आंसर मिलता है। जैसे कुछ कोई को, कोई प्रॉब्लम है और उसको उसको हम पहले क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे आने वाला जो आंसर है वही आंसर जो है ये सेकंड वाई क्वेश्चन बनता है उससे। इस तरीके से हमको कंटिन्यूअसली वाई क्वेश्चन पूछना है।
उस प्रॉब्लम को, तो हमको इजीली 4 या 5 आए तक हमको इजीली आंसर मिल जाता है। तो ये एक लीन मैनेजमेंट टूल्स है जो हमको इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं। तो इसके जो काइजन, टीपीएम, पोका ओके और वाइवा एनालिसिस है, हम इसको अगले 5M सेशन में समझेंगे। इस 5M सेशन में हमने हमको 5S समझ के लेना है कि 5S एग्जैक्टली क्या है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हम हमारे लाइफ में कैसे करेंगे। तो 5S, 5S है बेसिकली एक जापानीज वर्ड है। ये सबसे पहले टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में यूज हुआ था। तो उसके बाद से ये पूरे वर्ल्ड में हर हर एक इंडस्ट्री में इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसको यूज होता है। 5S जो है एक 5 जापानीज वर्ड से बना हुआ है और वो एस लेटर से स्टार्ट होता है। तो 5S सिस्टम इज ऑर्गेनाइज द स्पेस सो वर्क कैन बी परफॉर्म इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड वी कैन प्रोवाइड अ सेफ एनवायरमेंट एंड सेफ वर्किंग कंडीशन। तो इससे हम क्या कर हो सकता है, फायदा होगा हमारा, तो हम वेस्ट रिडक्शन कर सकते हैं और रिस्क रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये पहले बात, तो ये 5S क्या है, यानी ये 5 स्टेप्स क्या है अगर हम देखेंगे, तो जापानीज में अगर हम देखेंगे, जापानीज वर्ड्स में हम देखेंगे तो उसका सिक्वेंस जो है, सीरी, सीटोन, सिसो, सिकेत्सु, सिसुके। अगर हम इसको 2-3 बार दोहराते हैं तो इजिली याद हो जाता है, सीरी, सीटोन, सिसो, सिकेत्सु, सुसुके। इसी चीज को अगर हिंदी में अगर बोलेंगे तो छटाई, सुव्यवस्था, स्वच्छता, मानकीकरण और अनुशासन। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। तो इसी फ्लो से हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो इसी फ्लो से हमको इसको समझना है। तो सबसे पहले देखता है हमारा फर्स्ट एस सीरी, सीरी यानी सॉर्ट। तो इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो जो भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ये पूरे सेशन में, तो एक सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो उस एग्जाम्पल को समझने के लिए आप इसको कंपेयर करिए आपके दैनंदिन रूटीन से, या फिर जहाँ पे आप बैठे हैं अभी अभी जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ पे जो डेस्क की कंडीशन है उसको आप एक इमेजिन करिए। तो और एमकोल की साइड से या एमसीएनजी की साइड से आप रिलेट करिए, आपका जो वर्क फ्लो है, मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इससे आप थोड़ा सा रिलेट करिए ताकि आपको ये इजीली समझ में आएगा। तो जैसे अभी ये एक रूम है, ये एक रूम में कुछ मेटल पड़ा हुआ है, तो मेटल अभी जो कंडीशन में है आप देख रहे हैं। तो अगर मैं इसको अगर 1S इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे जो मेटल पड़ा हुआ है उसमें से नेसेसरी और अननेसेसरी चीजों को अलग अलग करना है सबसे पहले काम। तो जब ये मैं करता हूँ तो मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ चीजें मुझे ऐसे मिलेंगी जो नॉट नीडेड एट ऑल, जिसकी जरूरत ही नहीं है उसमें से। ऐसा कुछ चीजें कैसे, ऐसी कुछ चीजें होंगी जो ऐसी कुछ चीजें होंगी जो डैमेज कंडीशन में है, जिसको हम स्क्रैप में मूव कर सकते हैं। ऐसी कुछ चीजें हमको मिलेंगी जो ओके कंडीशन में, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है, तो हम उसको कहीं दूसरे लोकेशन में, रेड टैग लोकेशन में हम मूव कर सकते हैं। उसके बाद में नीडेड बट नॉट नाउ, ऐसा कुछ चीजें है सीजनल है जो हम सीजन के हिसाब से यूज करते हैं, तो उसका अभी अगर वो हमको दिख रहा है तो हम उसको उस तरीके से स्टोर कर सकते हैं ताकि वो सीजन में हमको वहाँ पे वहाँ से हम ले सके, उस तरीके से हमको उसको डिजाइन स्पेस में रखना है। उसके बाद में नीडेड बट नॉट हियर, ऐसी कुछ चीजें हैं जो जरूरत तो है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ इस जगह पे जरूरत नहीं है। तो हो सकता है कि जैसे जैसे ग्लॉसरी आइटम जो है वो किचन में रहना चाहिए, वो दूसरे रूम में नहीं होना चाहिए। तो उस तरीके से हमको चीजों को रखना है जिसका जगह जहाँ पे है वो वहीं पे रहेगा। उसके बाद में ऐसी चीजें हमको मिलेंगी जो कुछ नीडेड बट नॉट इन सो मच क्वांटिटी, तो ऐसा कुछ क्वांटिटी में हमने उसको लिया हुआ जितनी क्वांटिटी में हमको नहीं लेना चाहिए था, हो सकता है उसकी पेरिशेबल लाइफ है, वो खराब हो सकता है, तो हमको उसी लाइफ से या उसी क्वांटिटी में हमको लेना है जिस क्वांटिटी में वो हमको यूज यूज करने के लिए आसानी हो। तो ऐसे चीजें हमको मिलेंगी तो हम उसको स्टोर में मूव कर सकते हैं, और जितनी चीजें हमको इमीडिएट चाहिए तो उतनी चीजें हम उसको सामने रख सकते हैं। तो इस चीजें का हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको करने के लिए। तो जैसे पहला आपने देखा कि नीडेड बट नॉट नीडेड एट ऑल, तो उसमें हमको कुछ चीजें ऐसे मिलेंगी जो चीजें ओके कंडीशन में है लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है, हमको उसका यूज नहीं है, तो हम उसको मूव करेंगे एक रेड टैग एरिया में, और उसको एक रेड टैग, प्रॉपर एक रेड टैग से मार्किंग करके उस लोकेशन में हम उसको रखेंगे, ताकि क्या होगा कि जब भी
वो चीज अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट या फिर कुछ दूसरे हमारे सिस्टर कंसर्न कंपनी या फिर किसी को अगर नीड हो सकती है वो चीजों की, तो हम उसको इजीली वहां पे मूव कर सकते हैं ताकि वो चीजें उनकी अवेलेबिलिटी के लिए आसानी हो। तो इस तरीके से हम 1S का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो अभी अभी हम देखेंगे देखते हैं कि जो पहले पिक्चर हमने देखा था, तो 1S इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में उस पिक्चर की कंडीशन क्या होगी। जैसे वहां पे एक साइकिल पड़ी थी, साइकिल को हमने रिपेयर करके प्रॉपर रखा, कुछ बॉक्सेस रखे थे, उस बॉक्सेस को हमने नंबरिंग करके या फिर एक सॉर्टिंग करके एक जगह पे रखा, तो हम इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इमेजिन करिए जो जो कंडीशन में आप अभी जैसे हम आप डेस्क पे बैठे हैं, तो डेस्क पे किस तरीके से हमको चीजों को सॉर्टिंग करना चाहिए। उसके बाद आता है सेकंड एस। अपने अभी हमने सॉर्टिंग कर लिया, तो अभी हमको करना है सिट ऑन, सेट ऑन यानी सेट इन ऑर्डर। तो हमको चीजों को एक ऑर्डर में रखना है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, यानी हर चीज के लिए एक जगह और वो चीज जगह पे इस तरीके से हमको रखना है। जैसे हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं, मशीन का प्लानिंग कर रहे हैं, हमारा आउटपुट रॉ मटेरियल का प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे हमारा कुछ आउटपुट प्रोडक्ट रहता है, तो उसके लिए हर इसके लिए एक लोकेशन फिक्स करना है। हो सकता है टूल्स हमको लगने वाले हैं, तो टूल्स का एक लोकेशन हमको फिक्स करना है, तो वो हमेशा के लिए वो चीज वहीं पे वो डिजाइन स्पेस में ही रहेंगी, वहां से वो मूव नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमको 2S को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको क्यों करना चाहिए, हम एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। जैसे एक बॉक्स है, एक बॉक्स में अलग अलग शेप के कुछ मटेरियल रखा है, जैसे एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, इस तरीके से एक शेप में मटेरियल रखा हुआ है। तो इस बॉक्स में से मैं अगर कोई भी चीज एक उठा लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्क्वायर उठा लिया, तो फर्स्ट लुक में मुझे ये नहीं समझेगा मैंने एग्जैक्टली क्या उठाया। हो सकता है मुझे ये भी नहीं समझेगा कि यहाँ से सच में कोई चीज मिस भी हुई है क्या। तो इसको इजी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम एक कलर कोडिंग के साथ में दे सकते हैं, अलग अलग चीज को एक कलर कलर दे सकते हैं, ताकि क्या होगा कि ये चीज में से कोई भी अगर एक चीज मैं मूव करता हूँ, तो मुझे इजिली पता चलेगा कि यहाँ से एक स्क्वायर बॉक्स मूव हुआ है, वो यहाँ से मिसिंग है। इसको अगर मैं और बेटर करता हूँ, तो मैं इसको नंबरिंग दे सकता हूँ, ताकि मुझे क्या पता चलेगा कि फर्स्ट लुक में 3 नंबर का जो बॉक्स है यहाँ से मिसिंग है। तो ये हमको एक विजुअल मैनेजमेंट देता है इसको जल्दी से समझने के लिए। तो ये टाइम सेविंग हमारा करता है। अगर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एक एग्जाम्पल हम अगर लेंगे लेंगे, तो हमारा जो टूल बॉक्स है, तो हम जिस तरीके जैसे अभी एमकोल में और एनसीएमजी में हम जिस तरीके से टूल्स यूज करने वाले हैं, तो उसका लोकेशन जो है इस तरीके से हमारा रहना चाहिए। तो उसको इसको अगर हम इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं शैडो बोर्ड। इस तरीके से हमको ये टूल्स को रखना है, ताकि विजुअली हमको सब टूल्स प्रॉपरली देखे, ताकि कोई भी चीज हमको यूज करने के लिए आसानी हो। तो ये क्यों जरूरी है, तो पकड़ लीजिए कि यहाँ से एक यहाँ पे जो टूल्स रखे हैं, अगर राम यहाँ पे आता है और राम यहाँ से कोई हैमर उठा लेता है, और हरी बाद में आता है और उसको अगर वो हैमर चाहिए, तो हैमर वहां पे नहीं रहेगा, तो इजीली उसको दिखेगा पहले तो हैमर नहीं है, तो उसको बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका सर्चिंग टाइम जो है वो रिड्यूस होगा। इसको हम अगर और बेटर कर सकते हैं, तो हम उसको एक टोकन दे सकते हैं या टोकन सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि राम जब भी यहाँ से टूल उठाएगा, तो उसके नाम का टोकन यहाँ पे रखेगा, ताकि जब हरी वहां पे आएगा, तो उसको ये पता चलेगा कि राम ने यहाँ से टूल लिया हुआ है, तो वो राम को कॉल करके वहां पे वो टूल ले सकता है अगर उसको जरूरत है। तो ये इजी इजी वे है हमारा सर्चिंग टाइम कम करने का। तो एक इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस है जो हम इस तरीके से हमारे रूटीन्स में या फिर जो भी चीजें हैं वहां पे हम उस तरीके से हमको मटल रख सकते हैं, ये एग्जाम्पल। उसके बाद में हम ऑफिसेस में काम करते हैं, ऑफिसेस में हमारे बहुत से फाइल्स रखी जाती है, तो हम उसको अगर प्रॉपरली कलर कोडिंग के साथ में मार्किंग करके अगर रखेंगे, तो यहाँ से अगर कोई भी फाइल मैं रिमूव करता हूँ और उसको उसको मुझे फिर से रखना है, तो मुझे एक पता चलेगा कि इसका लोकेशन जो है वो यही पे है, इस लोकेशन पे मुझे रखना है, ये कलर कोडिंग के साथ में हमको समझ में आ जाएगा। तो ये एक विजुअल मैनेजमेंट टूल है, जो हमको बताता है, और इस तरीके से हम उसको एक सिस्टम को डिजाइन करते हैं, तो एक हमको आसानी होती है, हमारा टाइम सेव होता है। इस तरीके से हम जैसे डेस्क पे काम कर रहे हैं, तो बहुत से जैसे हम डेस्क पे जब भी काम करते हैं, तो हमको बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, कैलकुलेटर्स है, पेन्स है, पेंसिल है, तो उसको हम इस तरीके से शैडो बोर्ड में अगर रखेंगे, तो जब भी हम उसको यूज करना है, तो प्रॉपरली हम यूज कर सकते हैं, हमको दिखने के लिए आसानी होगी, और यहाँ से चीजें मिस होने का चांसेस भी
हम अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। हम उस चीज को एक मार्किंग के साथ में भी कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्री में हम उसको बोलते हैं एलो मार्किंग। तो जो चीजें हम रख रहे हैं, जैसे कैलकुलेटर रखा है, डस्टबिन रखी है, तो उसको हम एक एलो मार्किंग करके उसको एक लोकेशन फिक्स कर सकते हैं, ताकि ये चीजें हमेशा के लिए वही जगह पे रहेंगी। तो एक प्रॉपर लोकेशन होता है, प्रॉपर जगह का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। तो हमको एक जगह और स्पेस यूटिलाइजेशन हम प्रॉपर कर सकते हैं जितनी भी हमारे पास में जगह है। तो एक बेस्ट एग्जांपल है 2S का। उसके बाद में 2S हम जो है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने के लिए, इन्वेंट्री रिड्यूस करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी एमकोल साइट पे हमारा जो प्रोडक्ट है ब्रिकेट्स और पैलेट्स है, तो हम उसको एक स्टोरेज रख रहे हैं। हमारा रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल का एक स्टोरेज रहेगा, तो उसकी इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए हमको हो सकता है कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स लग रहे हैं, हैंड क्लोज लग रहे हैं, टूल्स हमको लगने वाले हैं, तो उसकी इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए हमको एक कलर कोडिंग का यूज करना है। उसको बोलते हैं RYGB। तो RYGB यानी क्या है? तो रेड यानी क्रिटिकल, येलो यानी रीऑर्डर, ग्रीन यानी डिजाइन एंड ब्लू यानी एक्सेस। तो अभी अभी हम देखते हैं कि ये जैसे फोटो में दिख रहा है आपको, ये कलर कोडिंग दिख रहा है। तो जैसे अभी ये कलर कोडिंग के बाजू में बीन्स रखी है, तो जैसे अभी ग्रीन लेवल पे ये बीन बीन है, मीन्स जो हमने डिजाइन क्वांटिटी फिक्स किया था, इसी डिजाइन क्वांटिटी में मटेरियल रहना चाहिए, तो उसी डिजाइन क्वांटिटी में यहाँ पे मटेरियल अभी है। अगर ये अगर येलो ये अगर ब्लू लाइन में है, अगर ब्लू लाइन तक के मटेरियल भरा है, तो हमको यहाँ से पता चलेगा कि अभी टॉपअप करने की जरूरत नहीं, अभी अभी एक्सेस एक्सेस होगा मटेरियल, तो इसको हमको फिर से टॉपअप करने की जरूरत नहीं है। अगर ये रेड लोकेशन पे जाता है, तो हमको पता चलेगा कि अभी लाइन स्टॉपेज हो सकता है, हमको इसको इमिडिएटली स्टॉपेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इससे हम हमारा लाइन स्टॉपेज या फिर टाइम जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ये 2S है, जो सेट इन ऑर्डर है, इसका महत्व क्या है? तो हमारा फास्टर रिट्रैवल टाइम, जो सर्चिंग टाइम और फास्टर रिट्रैवल टाइम हम उसको कर सकते हैं, स्पेस को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में, अगर बेस्ट इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस हम बोलते हैं, तो कोई भी चीज हमको रिट्राइव करना है तो 30 सेकंड्स में वो चीज रिट्राइव होनी चाहिए। इतना बेस्ट हमारा 5S या 2S हमारा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ, तो एक स्टोर रूम है, एक रिकॉर्ड रूम है। इस रिकॉर्ड रूम में कोई भी एक 1950 की डिसम्बर मंथ की मुझे अगर फाइल चाहिए, तो वो इतना सिस्टम हमारा डेवलप होना चाहिए कि 30 सेकंड में वो फाइल हमारे डेस्क पे आना चाहिए। इतना फास्ट रिट्रावर सिस्टम हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो यहाँ तक हो गया अपना 1S और 2S। जैसे हमने पहले मेटल को सॉर्ट किया, उसके बाद में हमने उसको इस जगह को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद में आता है क्लीनिंग, शाइन या फिर सिसो। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है क्लीनिंग का। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस देखते हैं, तो जनरली इंडस्ट्री में एक टाइम दिया जाता है, उसको बोलते हैं कि 5S टाइम। तो जैसे शिफ्ट स्टार्ट या शिफ्ट एंड पे कुछ 5 मिनट या फिर 2-3 मिनट का टाइम दिया जाता है, जो हमको क्लीनिंग करने के लिए इंडस्ट्री में, जो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम जो स्टेज पे काम कर रहे हैं, उसका क्लीनिंग करने के लिए, हमारे मशीन का क्लीनिंग करने के लिए टाइम दिया जाता है। तो हाउसकीपिंग का जो काम है, सिर्फ हाउसकीपर का नहीं है, तो जो जगह पे हम काम कर रहे हैं, जो जो ऑफिस में जो टेबल पे हम बैठते हैं, जो डेस्क पे हम काम करते हैं, तो उसकी क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए हमेशा के लिए। जो मशीन पे हम काम करते हैं, उस मशीन की क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली एक सिस्टम है जो इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट हमको करना है। तो ये जब करते हैं हम, ये जब क्लीनिंग हम एक्टिविटी करते हैं, तो ये करते टाइम हमको दो चीजों का रूल का हमको ध्यान रखना है, क्लीनिंग विथ मीनिंग और क्लीनिंग विथ इंस्पेक्शन। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो जैसे हम हमारी कार या फिर हमारी बाइक अगर वॉश करते हैं, तो पहले तो वो कार या फिर बाइक जो है, उसको किस तरीके से वॉश करना चाहिए हमको वो पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन से वॉश करना चाहिए, किसका यूज करके हमको उसको वॉश करना चाहिए। तो मीनिंगफुल हमको उसको वॉशिंग करना है, कौन से डायरेक्शन से हमको वॉश करना चाहिए। उसके बाद में क्लीनिंग विथ इंस्पेक्शन, तो हम जब वॉश कर रहे हैं, तो हमको उसको उसको इंस्पेक्शन के साथ में भी करना है, ताकि क्या होगा, हो सकता है कि कुछ चीजें डैमेज है, कुछ चीजें लूज हुई है, कुछ चीजें में लुब्रिकेशन की जरूरत है, ग्रीसिंग की जरूरत है, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। तो इसको हम इंस्पेक्शन के साथ में हम उसको कर सकते हैं।
ताकि क्या होगा कि हम जो फ्यूचर में होने वाले एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सकते हैं, कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, और कोई रिजेक्शन को कम कर सकते हैं, कि रिजेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमको क्लीनिंग विथ मीनिंग और क्लीनिंग विथ इंस्पेक्शन का ध्यान रखना है। इसके लिए हम एक टेक्निक का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं क्लीट, क्लीनिंग लुब्रिकेशन इंस्पेक्शन एंड टाइटनिंग। तो ये अभी जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जो यहाँ पे जो बोल्ट्स और नट और बोल्ट्स है, तो वहाँ पे एक मार्किंग करा हुआ है, उसको हम बोलते हैं वाइट मार्किंग। तो जब भी हम कोई फाउंडेशन बोल्ट टाइट करते हैं, जैसे पकड़ लीजिए हमारे एम कोल के इस पे जो ब्रिकेटिंग मशीन है, ब्रिकेटिंग मशीन को हम अगर इंस्टॉल करते हैं, तो उसके जो बोल्ट्स है, फाउंडेशन बोल्ट्स है, जब भी हम उसको टाइट करते हैं, फुल टाइट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसको एक वाइट मार्कर से, वाइट पेंट से मार्क हमको करना है। तो ताकि क्या होगा कि जब भी हम क्लीनिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्लीनिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते टाइम में अगर हमको वो मार्क अगर डिस्टर्ब कंडीशन में दिखता है, तो हमको इजीली पता चलेगा कि ये लूज हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि हम कोई होने वाला रिजेक्शन है या फिर कोई होने वाला एक्सीडेंट है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये एक विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम है और क्लीनिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको हम एक विजुअल एक इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमको आसानी हो। तो इसके लिए हमको एक चेकशीट भी हम बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्लीट चेकशीट। तो उसमें क्लीट चेकशीट में हमको क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करना है, क्या क्लीनिंग करना है, उस किस मेथड से हमको उसको क्लीनिंग करना है, क्या टूल से हमको क्लीन करना है, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उस क्लीनिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, शिफ्ट में एक बार करना है, फोर नाइटली करना है, मंथ में एक बार करना है। तो उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं और हम उसको टाइम अलॉट कर सकते हैं, वो कितने टाइम में वो क्लीनिंग होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं हमारे शेड्यूल के हिसाब से। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्लीनिंग पार्ट, 3S कंप्लीट हो गया। सबसे पहला 1S था, हमने चीज़ों के सॉर्टिंग किया, उसके बाद में उसको सेट इन ऑर्डर किया, प्लेस आइडेंटिफाई किया, क्लीनिंग किया। क्लीनिंग करने के बाद में आता है हमारा 4S, स्टैंडर्डाइजेशन। जो जैसे हमने अभी पूरी सिस्टम बनाई, या जो भी हमने अभी अभी जो काम किया है, वो काम को स्टैंडर्डाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होगा कि कोई नया ऑपरेटर आता है या नया पर्सन आता है, तो उसको ये पता नहीं रहेगा कि वो चीज़ों को कैसे क्लीनिंग करना है, उसका टाइम क्या अलॉटेड है, उससे किस फ्रिक्वेंसी से करना है, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं रहेगा, पता नहीं रहेगा, उस चीज को कहाँ पर रखना है ये भी चीज पता नहीं रहेंगे। तो उसके लिए हमको स्टैंडर्डाइज करना है, तो एक SOP बनाना है, एक चेकशीट बनाना है, क्लीनिंग चेकशीट बनाना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई करना है, कुछ कुछ मशीन कौन से मशीन पर किस व्यक्ति ने काम करना चाहिए, वो उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। तो इसको हमको हैबिट में लाना है, इसको हमको हैबिट में लाना है, उसी को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। तो उसके लिए कुछ चेकशीट बनाई जाती है, उसको उस चेकशीट को हम जनरली बोलते हैं, जैसे फाइव चेकशीट है, क्लीनिंग चेकशीट है, उस तरीके से हमको उस चेकशीट को सबको डिजाइन करना है, ताकि जब भी कोई नया व्यक्ति वहां पे आए, तो वो चीज वही डायरेक्शन से, वही चीज मेथड से करेगा जो चीजें फर्स्ट टाइम जिसने डिजाइन किया था। तो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस हमारा रहेगा पूरे इंडस्ट्री में। तो उसी के लिए ये स्टैंडर्डाइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भी प्रोसेस भी हम डिजाइन करते हैं, तो प्रोसेस में हमको प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम जैसे SOP बोलते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरीके से हमारा एक स्मूथ फ्लो चलते रहे। तो यहाँ तक कि हमने किया, स्टैंडर्डाइज किया, जैसे हमने पूरी सिस्टम बनाई थी उसको हमने स्टैंडर्डाइज किया। अभी आता है सस्टेन, हमने पूरी सिस्टम तो बना ली, लेकिन उसको फॉलो भी करना है। हो सकता है कि हमने सिस्टम बनाई लेकिन हमने उसको फॉलो ही नहीं किया, तो क्या होगा कि पूरी जो सिस्टम हमने बनाई वो कोलैप्स हो जाएगी। तो उसी के लिए ये सस्टेन जो 5th S है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकित्सु ये इसको हम बोलते हैं। तो जनरली जैसे पकड़ लीजिए कि एक व्हील है, जैसे व्हील जो रोटेट होता है एक हब पे रोटेट होता है, तो जैसे हब का जितना जितका महत्व है पूरे व्हील को रोटेट करने के लिए, उसी तरीके से ये पूरा 5S को रोटेट करने का काम जो है, ये सस्टेन 5S जो है वो 5th S जो है वो काम करता है। तो ये 5th S में हमको क्या क्या एक्टिविटीज करना है, जैसे हम अगर देखेंगे तो हमको हमारे जो भी मशीन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है, उस मशीन को एक पर्टिकुलर व्यक्ति को हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ एकदम करना कलेक्ट कराना है। उसको उसको बोलना है कि आपको ये मशीन के रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है, इस तरीके से आपको उसको मेंटेन करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई करना। उसके बाद में जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करना, एक ऑडिट चेकशीट के साथ में कुछ जो जो भी चीजें हम
हम फॉलो कर रहे हैं, तो जो भी चीजें हम चेक शीट बनाई है, क्लीनिंग चेक शीट बनाई है, तो वो सच में वो चीजें फॉलो हो रही है कि नहीं है, तो इसके लिए ऑडिट किया जाता है। तो वो ऑडिट की एक फ्रीक्वेंसी हो सकती है वीकली हो, फोर्टनाइटली हो, या मंथली हो। तो उस तरीके से हमको ऑडिट करना है और वो देखना है कि ये 5S डिस्टर्ब तो नहीं हुआ है, ये प्रॉपर ट्रैक पे है कि नहीं है। तो इसके लिए हमको 5S स्कोर देना है और उस तरीके से हमको 5S ऑडिट के साथ में उसका ऑडिट करना है। तो ये ऑडिटिंग एक मेथड है। तो इसमें और एक चीज है जो हम मॉनिटर कर सकते हैं, हमारा 5S पहले कैसा था और अभी कैसे है, उसको चेक करने के लिए एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी। तो जैसे हम हमारा एमकोल का साइड है, या जैसे MCNG का साइड है, या फिर जो भी शॉप फ्लोर है, तो शॉप फ्लोर में ऐसी कुछ एक जगह मिलेंगी जहां से पूरे शॉप का हमको व्यू मिल रहा है। तो उस जगह को हमको आइडेंटिफाई करना है, उस जगह को मार्क करना है, उसको FPP पॉइंट बोलते हैं हम। तो उस जगह से हमको एक फिक्स कैमरा से एक फिक्स जूम के साथ में, फिक्स एंगल के साथ में हमको फोटो लेना है। उस फोटो से क्या होगा, तो एक जो फोटो है हमने एक मंथ के पहले या फिर एक वीक के पहले हमने लिया था, वो उसी जगह से हम एक फिर से दूसरा एक फोटो निकालेंगे। उस फोटो से हमको एक समझ में आएगा कि पहले 5S कैसा था और अभी 5S कैसा है। तो ये कंपेयर करने के लिए हमको हमको ये टूल बहुत काम में आता है। तो हो सकता है कि 5S इम्प्रूव भी हुआ होगा, हो सकता है 5S डिटोरेट भी हुआ है। तो अगर 5S डिटोरेट हुआ है तो हमको उस पर कुछ एक्शन लेना है, हमारा ऑडिट फ्रिक्वेंसी बढ़ाना है या फिर क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है, उसको उसको उस तरीके से हमको एक्शन लेने के लिए ये पॉइंट बहुत काम में आएगा। इसको हम बोलते हैं फिक्स पॉइंट फोटोग्राफी। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग टू ऑल एम्प्लॉयज। तो जब भी हमारे इंडस्ट्री में कोई ऑपरेटर या फिर कोई भी टीम हमारी काम करती है, सुपरविजिंग टीम काम करती है, तो उस टीम को कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग देना, रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग देना, न्यू लोगों को ट्रेनिंग देना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको उनको 5S का महत्व बनाना बताना, उनको प्रोसेस का महत्व बनाना बताना, हमारे प्रोसेस को किस तरीके से किया जाता है वो उनको समझाने के लिए ये एक ट्रेनिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये कंटिन्यूअसली हमको करना है, एक बार करने से नहीं होगा, इसको रिफ्रेशिंग रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग भी हमको लोगों को देना है ताकि ये हैबिट में या फिर कल्चर में आए। तो ये कल्चर अपने को बेसिकली एक डिजाइन करना है या फिर डेवलप करना है हमारे इंडस्ट्री में। उसके बाद में रिवार्डिंग, तो हमको मोटिवेशन करने के लिए रिकॉग्निशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मोटिवेशन से क्या होगा कि एक 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 हमारे टीम में एक उत्साह बना रहेगा। तो ये मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी अभी तक हमने देखा कि 1S से लेकर 5S, 1S से लेकर हमने 5S को कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया। जैसे हमने सबसे पहले 1S में देखा कि हमने चीजों को पहले सॉर्ट किया, यानी अननेसेसरी और नेसेसरी चीज को हमने अलग अलग किया। उसके बाद में चीजों को एक फिक्स लोकेशन दी, उस फिक्स लोकेशन में ही हमेशा वो चीज रहेंगी। उसके बाद में हमने उस स्पेस का प्रॉपर क्लीनिंग बनाया, क्लीनिंग शेड्यूल बनाया, और एक 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 टाइम अलॉट किया कि उस टाइम में हमको उसको क्लीनिंग करना है। उसके बाद में हमने उस पूरी प्रोसेस को हमने स्टैंडर्डाइज किया, एक चेकशीट में स्टैंडर्डाइज किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्टैंडर्डाइज किया, ऑडिट चेकशीट में हमने स्टैंडर्डाइज किया, और उसके बाद में हमको उसको चीज को मॉनिटर करने के लिए एक फिफ्थ टेस्ट जो है हमारा सस्टेन करने के लिए हमने उसका एक ऑडिटिंग सिस्टम बनाया जिसको हम मॉनिटर करने के लिए हम यूज करेंगे। तो जब भी हम ये पूरा करते हैं तो हमको हम एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे पूरे इंडस्ट्री में, हमारे पूरे सिस्टम के लिए। तो एक बोनस एस हमारा हमको यहाँ से एक हासिल होता है जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी। तो ये एक बोनस एस का हमको एक एडवांटेज मिलता है, एक सेफ एनवायरनमेंट हमारे इंडस्ट्री में प्रोवाइड करने के लिए। तो इस मेथड से हमको इंडस्ट्री में काम करना है। तो जैसे हम एक कुछ बिफोर आफ्टर फोटो देखते हैं कि पहले 5S कैसा था, हमको चीज़ों को कैसे रखना है, बिन में कैसे रखना है, कलर कोडिंग कैसे रखना है, डस्टबिन को कैसे रखना है, टूल्स को कैसे रखना है, इस तरीके से हमको चीज़ों को रखना है। जैसे डेस्क डेस्क है हमारा जहाँ पे हम हमेशा काम करते हैं, तो उस डेस्क को हमको किस तरीके से मेंटेन रखना है। उसके बाद ये जो 5S है, इस 5S का महत्व क्या है एग्जैक्टली, यानी इसको हमको इसका बेनिफिट क्या है, अगर हम पूरा समराइज करते हैं इस पूरे टॉपिक को, तो इसका क्या एडवांटेज रहेगा हमारे डेली रूटीन में। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहला है तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, हमारे जो प्रोडक्ट है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद में कॉस्ट, तो कॉस्ट को कम करने के लिए भी इसका यूज हमको रहेगा। जैसे पकड़ लीजिए कि कोई भी टाइम हम कम करते हैं, जैसे एक सर्चिंग टाइम हम करते हैं, तो टाइम इज मनी, तो हम उस टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट में। तो ये प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो हमारा रहने वाला है, तो
हम जब भी कोई चीजों का टाइम करते हैं, उसको स्मूथ करते हैं, तो हमारा टाइम बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। अगर ऑपरेटर को सेफ एनवायरनमेंट मिल रहा है, एक हैप्पी एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी इजीली बढ़ेंगी। उसके बाद में डिलीवरी टाइम, अगर जितने फास्ट हम प्रोसेस कर रहे हैं, जितने फास्ट हम प्रोसेस को डिजाइन किया है, तो हमारा डिलीवरी टाइम हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में सेफ एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारे लोगों का मोटिवेशन बढ़ा के रख सकते हैं। तो बहुत बार इंडस्ट्री में क्या होता है, तो लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं, तो एग्जिट जो है बहुत फास्ट होता है। तो उस एग्जिट को कम करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि लोगों को हम ट्रेन करते हो, वो हमारा रिसोर्स है, तो उसको सस्टेन करना हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उनको मोटिवेशन देना, रिकॉग्निशन देना, उसके बाद में ऐसा एनवायरनमेंट देना कि ताकि उनको बाहर जो लोकेशन एनवायरनमेंट मिल रहा है, उससे अगर अच्छा एनवायरनमेंट हम अगर हमारे इंडस्ट्री में देते हैं, तो उनको कभी भी कंपनी में आने के लिए एक मोटिवेशन मिलेगा, उनको एक उत्साह बना रहेगा। तो इसलिए हमको हमेशा एक मोटिवेशन बढ़ा के रखना है हमारे एम्प्लॉयज का। तो इस तरीके से हमने पूरा 5 years को समझा। तो ये 5 years सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, तो हमारे पूरी लाइफ में हम काम कर सकते हैं। हमारे दैनंदिन जो लाइफ है, डेली रूटीन्स है, डेस्क है, ऑफिस है, कहीं पे भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं और कहीं पे भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप इसको ट्राई करिए कि आपके जो दैनंदिन रूटीन है, इसमें आप इसको डिजाइन करने की कोशिश करिए और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। एक छोटे छोटे एग्जाम छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट के साथ में करिए, ताकि क्या होगा कि इसको आपको हैबिट में ला सकते हैं। तो होप आपको ये मेरा टॉपिक जो है 5 years से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है या फिर कुछ अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मेरा नंबर है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो थैंक्स टीम, आपने मुझे एक मौका दिया इस टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए। थैंक्स सर, थैंक्स सर। थैंक यू वेरी मच मनोज महाजन जी। एंड दोस्तों, आज आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से एक छोटी सी सिस्टम